परवीन बाबी की उंगलियों पर बहुत गहरी चोट आई थी जब एक फिल्म में तलवारबाजी करते हुए तलवार उनकी उंगलियों पर लग गई थी। तलवार मारने वाली भी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, और ये मैं किस फिल्म और किस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। जिस फिल्म में तलवारबाजी का निशाना परवीन बाबी की उंगलियां बनी थी, उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और डायलॉग राइटर मनोज कुमार थे, और इस फिल्म को दिलीप कुमार की कमबैक फिल्म भी कहा जाता है। 1981 में रिलीज हुई क्रांति। इस फिल्म का स्टार कास्ट बहुत ही बड़ा था, और इस फिल्म में हेमा मालिनी राजकुमारी मीनाक्षी का रोल कर रही हैं। राजकुमारी मीनाक्षी एक बहुत ही ज्यादा अकड़ू प्रिंसेस है, और राजकुमारी मीनाक्षी को मनोज कुमार की टीम किडनैप कर लेती है। मनोज कुमार की टीम में है परवीन बाबी, और ये जो फाइट सीक्वेंस हुआ था जिसमें परवीन बाबी की उंगलियां चोट खा गई थीं, वो हेमा मालिनी और परवीन बाबी के बीच था, जहां हेमा मालिनी के हाथ में तलवार थी। इस फाइट सीक्वेंस में थोड़ा अनइक्वल मामला था। हेमा मालिनी के हाथ में तो तलवार थी, लेकिन सुरीली यानी परवीन बाबी का वो कैरेक्टर फिल्म क्रांति में, उसके हाथ में तलवार नहीं थी, उसके हाथ में एक मशाल थी। परवीन बाबी और हेमा मालिनी की इस फाइट को फिल्म क्रांति में कोऑर्डिनेट कर रहे थे फाइट मास्टर वीरू देवगन, ऑफ कोर्स फादर ऑफ अजय देवगन। इस फाइट सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त कई बार रिहर्सल्स हुए थे, और इस रिहर्सल के दौरान वीरू देवगन साहब ने समझा दिया था कि हेमा मालिनी को तलवार चलानी है और परवीन बाबी को बचना है और अपने आप को ढाल से प्रोटेक्ट करना है। जब इस शॉट को फिल्माया गया तो हेमा मालिनी जोर से तलवार नहीं चला रही थी, तो वीरू देवगन साहब पीछे से चिल्ला रहे थे कि हिट हार्ड, हिट हार्ड, हिट हार्ड। और कुछ ऐसा हुआ कि ज्यादा शोर शराबे के कारण हेमा मालिनी और परवीन बाबी दोनों, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बिगड़ गया, और हेमा मालिनी ने एक ऐसे वक्त पे तलवार चलाई जब परवीन बाबी पीछे नहीं हट पाई, और तलवार परवीन बाबी की दो उंगलियों को बहुत डीप कट करके चली। परवीन बाबी की दो उंगलियों को बहुत गहरा घाव लगा था, लेकिन वो दो उंगलियां पूरी तरह कटने से बच गई, लेकिन खून इतना निकला कि सब सेट पर हैरान परेशान हो गए, और हेमा मालिनी इतना ज्यादा अपसेट हो गई कि मेकअप रूम में जाके रोने लग गई और दिन भर रोती ही रही। इस इंसिडेंट को प्रेस में भी रिपोर्ट किया गया था, और परवीन बाबी इस घटना के 4 दिन बाद तक बेड रेस्ट पर ही रहीं, क्योंकि चोट बहुत ज्यादा गहरी थी। ये जो फाइट सीक्वेंस था, इसे बॉम्बे के राजकमल स्टूडियोज में शूट किया जा रहा था। राजकमल स्टूडियोज की शुरुआत की थी लेजेंडरी श्री वी शांताराम साहब ने, और मेरे पास एक तस्वीर है जहां वी शांताराम क्रांति फिल्म की पूरी टीम के साथ खड़े हैं। फिल्म क्रांति से मुझे एक बात और याद आ रही है कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी 1980 में, उस वक्त हेमा मालिनी एक और फिल्म की शूटिंग भी कर रही थी, रजिया सुल्तान, और ये वो वक्त भी था जब
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हुई थी और इसी वजह से हेमा मालिनी ज्यादा वक्त रजिया सुल्तान की शूटिंग में बिताती थी क्योंकि वहां पर सेट पर धर्मेंद्र भी थे और इस वजह से रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही और मनोज कुमार में झगड़ा भी हो गया था कि हेमा मालिनी की डेट्स किसके पास जाएंगी, क्योंकि हेमा मालिनी ज्यादातर रजिया सुल्तान की तरफ ध्यान देती थी, वहां उनका एक बहुत बड़ा रोल था और क्रांति में वो कुछ कम ध्यान दे रही थी और इस वजह से मनोज कुमार काफी नाराज भी हो गए थे। फिल्म क्रांति इतनी बड़ी सक्सेस थी कि 1981 में जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की थी वो फिल्म थी क्रांति और इसका पैट्रियोटिक एंगल, इसका देशभक्ति से लबालब जो स्टोरी का एंगल था वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्रांति को 3 बार 4 बार 5 बार भी देखा था। फिल्म क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड्स तोड़े ही लेकिन उसके साथ साथ दिलीप कुमार की जिंदगी में भी क्रांति एक नई क्रांति लेकर आई थी। ये क्या कह रहा हूं मैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। क्लिक हियर एंड वॉच दिस वीडियो और आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टाटा।